एक आदमी ने पत्थर लिया मोटा सा, एक मूर्तिकार को बेच दिया 500 रुपया में। मूर्तिकार ने वो पत्थर लिया, उसमें छेनी हथौड़ा लगा लगा कर एक मूर्ति बना ली, जितना बेकार था सब बाहर उतार दिया, एक सुंदर मूर्ति बनी दरवाजे पर लगा दी। जिसने पत्थर बेचा था वही गया, हमको एक मूर्ति लेनी है, ये ले लो। कितने की? 5,000। इसने पहचान लिया, अरे ये तो हमारा ही बेचा हुआ पत्थर है। हाँ, पर अब तो मूर्ति हो गई। अरे बड़े उल्लू हो, दिन में हमको उल्लू बना रहे। 500 का लिया था, 5,000 शर्म नहीं आती? तुमने किया ही क्या? मोटा था तो पतली कर दी, मोटा था पतला कर दिया, लंबा था छोटा कर दिया, ऊपर से 5,000। तो मूर्तिकार मुस्कुराकर बोले, हुजूर बुरा ना मानना, हमने मोटे या पतले करने के पैसा नहीं लिए हैं, बेकार पत्थर निकालने के हमने 5,000 पैसा लिए। जो बेकार था वो निकाल दिया, जो सार है वो धर दिया। यही हम तुमसे कहना चाहते, गुरु का काम क्या है? गुरु के पास जाने से बेकार बातें निकल जाती हैं, सार की बातें चित्त में रह जाती हैं, यही गुरु का काम है। इसीलिए हमने कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। दोनों हाथ उठा के गाइए, कृपा करहुं गुरुदेव की नाई, कृपा करहुं गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय चंद्र भगवान की। तो गुरु का काम क्या है? सार को रख लेना, कचड़ा को, ये गुरु का काम क्या? ये गुरु का काम, आओ गुणों को हटा देना, गुणों को रख लेना, सत्कर्म को बचा लेना, बुरे कर्म को हटा देना, अच्छाई को बचा देना, बुराई को मिटा देना, यही सदगुरु का काम है।